वेलकम टू प्रियंशु ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है इवनिंग से, तो चलिए फिर आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो गई जैसे कि कल की ब्लॉग में भी आया था कि हम गेहूँ साफ कर रहे थे, तो आधे गेहूँ कल साफ हो गए थे और आधे गेहूँ अभी साफ किए जा रहे हैं। सो दादी ने गेहूँ आज छत में फैलाए गए थे और कल नीचे थे, तो अभी हम छत में गेहूँ साफ कर रहे हैं। उन पर जैसे कि तो जो वो भूसा होता है वो मैं भूल गई, तो मैंने दादी से पूछा तो इससे थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये था कि भूसा उड़ा रहे थे और बाकी अभी मैं छत में इसीलिए आए थे थोड़ा बहुत देखने के लिए और थोड़ी बहुत वीडियो बनाने के लिए। आधा ब्लॉग कल बनाया गया था, वो तो अपलोड हो चुका है एंड नेक्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ अब। सो धूप भी इतनी ख़तरनाक धूप लगी हुई है और आजकल गर्मियों का मौसम है तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। सो गाइस, हमने ये जो पन्नी का तिरपाल होता है ये दिखाया था एंड दादी ये गेहूँ साफ कर रहे हैं एंड अभी मैं कैमरा यहाँ पर खड़ा करने के बाद कैमरा यहाँ पर स्टैंड कर दूँगी और उसके बाद मैं भी वहाँ पे आप सबको दिखूँगी। सो चलते हैं फिर और एक बार आप सबको यहाँ का क्लियर सा मौसम दिखा देती हूँ। गाइस, अभी गेहूँ तो साफ हो ही रहे हैं तो इसी के साथ अभी दादी को भी पूछ लेते हैं कि दादी को कितनी थक लग रही गेहूँ बनाते समय। तो एक मिनट पहले यहाँ पे अभी ये देखो समाप्तन हुआ एंड इधर से चलते हैं राम राम से। ये यहाँ पे गेहूँ है। सो दादी, आपको गेहूँ बनाते हुए कैसे लग रहे हैं? तो कल मैंने बनाया था जबकि दादी के साथ बाहर पे, आप सबने वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें क्या किया था, झाड़ू मारा था और बनाए थे। बाकी और तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं था, बस इतना ही किया था। बाकी दादी का जो उत्तर था वो आप सबने सुनी लिया होगा है ना दादी, जो आपने अभी बताया और सबने सुनी लिया होगा। सो उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूँ, जो यहाँ पे हमारा एक ब्रिज था जो
खराब हो चुके। अब तो हमने खैर हमारे घर में 3 फ्रिज हो रखे हैं, शर्म की बात है, 3 फ्रिज हो रखे हैं घर घर में, और एक फ्रिज छत में, एक फ्रिज दुकान में, एक फ्रिज घर के अंदर है। और अगर आप सबको यकीन नहीं होता, एक बार दादी से पूछते हैं। हाँ एक मिनट रुक जाओ बस। दादी जोर से बोलिए। हमारे घर में कितने फ्रिज है? 3 फ्रिज चिनार का तो। कितने फ्रिज है? 3। सुन लिया आप सबने, 3 फ्रिज है। एक बताइए, ये वाला फ्रिज है, ये हमने लिया था पहले, उसके बाद ये खराब हो गया था। सो वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने ब्लॉग में से ले लिया है, ये रहा फ्रिज। और इसके अंदर से मुझे मिले हैं, एक मिनट, अरे यार ये देखो, ये एक्चुअली मैं शादी में भी गई थी और वह पहाड़ों का एरिया था, और फिर मैंने ये भी पटाखली के साथ पहनी थी, और फाइनली मैंने ये हील्स चला दी थी पहाड़ों में, और पत्थर ही पत्थर थे, फिर भी ये हील्स चल गए थे वहाँ पे। ज़्यादा ज़्यादा बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी मैं लेती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, और सीधा पहाड़ों में चली थी मैं इनको पहन के। तो ये मुझे फ्रिज के अंदर से मिली। और चलो थोड़ी बहुत आपको फ्रिज की हालत दिखा देती हूँ, बस ऊपर का देखना, इतना बाकी आपको नहीं दिखा सकती हूँ। यहाँ पर जूते चप्पल से सारे भरे हुए हैं, आप सब बोलोगे ये कितने जूते चप्पल पहन रहे, इतने सारे। सो हील्स निकाल देती हूँ पहले, और आपको कुछ अच्छे से भी दिखा देती हूँ कि कैसे थे, क्योंकि आप सबने देखे नहीं होंगे ना ढंग से, इसलिए ऐसे थे कुछ। ये देख लो, मैंने सब मैचिंग लिया था, गाउन हैंगी भी मैचिंग लिया था। सो अभी दादी ने जस्ट गेहूँ साफ कर ही दिए हैं, तो दादी ने गेहूँ साफ कर ही लिए हैं, तो अब मैं चलती हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि अब नीचे का भी देखते हैं कुछ क्या चल रहा है, नीचे क्या नहीं चल रहा है, और सबके छत में गेहूँ ही नज़र आएंगे आप सबको, क्योंकि ये टाइम गेहूँ काटने का है। इधर साइड तो बहुत कम लोग काटते हैं, पर जो इधर साइड है ना, इधर साइड बहुत लोग काटते हैं। सो गाइस ये भी नेक्स्ट ब्लॉग आ रहा है, और इसमें आप सब तो पहले मौसम ही देख लो। देखो यहाँ पे बारिश आने का मौसम हो रहा है, और बारिश आ ही नहीं रही है, आ रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, फिर सही हो जा रहा है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि बारिश आ जानी चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत गर्मी होने स्टार्ट हो चुकी है उस टाइम के। और एक बात तो है देहरादून में, अगर यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो वैसे ही बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। सो आई नो कि कल और परसों बारिश बता रखी है, और वैसे तो आज ही बता रखी थी, लेकिन आज आई नहीं, कोई बात नहीं, कल तक तो आई जाएगी बारिश। पर मतलब बारिश आने का मौसम हो रहा है, और यहाँ पर हवा चलना स्टार्ट हो जा रही है, तो ऐसे ही चल रहा है बस यहाँ पे मौसम। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ कि नीचे जाऊँ कहीं घूमने जाऊँ, तो फिर यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है, या फिर कुछ और हो जाता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बाद घूमने जाती हूँ। अगर घूमने नहीं गई तो आप सबको बनाए रखते हैं फिर ब्लॉग में। चलो फिर अभी तो छत का काम हो चुका है, और फिर अभी हम नीचे प्रस्थान करते हैं, चलिए। सो गाइस मैं दुकान में एंटर हो चुकी हूँ, और मैं हमेशा दुकान में ब्लॉग की शूटिंग करती हूँ, लेकिन जो होता है ना कि दुकान में वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मैं अपनी दूसरी दुकान दिखाती हूँ आप सबको, छोटी सी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बाहर से आऊँगी वहाँ से दिखाऊँगी आप सबको, ठीक है। सो गाइस यहाँ से स्टार्टिंग होती है, एंड ये हमारी दुकानदार दादी। भाई आप लोग बोल रहे होंगे दादी ने 3 दिन से एक ही साड़ी पहन रखी, क्योंकि दादी इसी साड़ी को पहन रहे। हाँ 3 दिन हो गए। सुबह जी देखिए खिड़की को, एंड मैं अब एंटर करती हूँ। यहाँ पे टॉफीज है, और बाकी इधर साइड नमकीन वगैरह, इधर साइड बिस्कुट है, ये ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अभी सेल्समैन आया नहीं है, इसलिए बाकी मैगी भी ख़त्म होने वाली है। इधर साइड शैम्पू, ये कुरकुरे वगैरह, टॉफी,
एंड जिससे मैंने एक पिल्ला मंगाया था, ये पिल्ला लेके नहीं आया अभी तक, है ना। मैंने तुझे मंगाया था एक पिल्ला, नहीं देगी अब। क्यों क्यों? अरे आंटी देने वाली थी, आंटी ने जैसे उठाया कुत्ता उनके पीछे पड़ गया था। अच्छा तुम नहीं देगी हो, कहीं और नहीं है? मेरा कहना दीदी तीन ये देता। सो गाइस, दादी ग्राहक को भगाते हुए, फुर्की ओए इधर आ। गुलाबी सरा रगड़ के दिखा दे। क्या खा रहे हो आप? नाम बोलो, क्या है उसमें लिखा हुआ? नमकीन दे, बोले तू दिख रही है, से बोल 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 दी। नमकीन खा रही हूँ मैं, बोल। नमकीन तुझे, अब जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। तेरे पीछे का बटन किसने तोड़ा? दांत दिखा अपने, सारे सारे दांत तेरे, एक दांत चूहा लेके चल गया है। कौन लेके गया फिर? यहाँ देखा जरा, कैमरे में देखा। बाय बाय।